पीएम मोदी को बधाई देने पहुंचे नेता कुछ ऐसी हरकत करने लगे कि देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। एनडीए को बहुमत मिलने के बाद पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक हुई। इस बैठक में एनडीए के सभी घटक दल शामिल हुए और प्रधानमंत्री को नेता सदन चुना गया। बैठक के खत्म होने के बाद आखिर में सभी लोग एक एक कर पीएम मोदी को बधाई देने के लिए आगे बढ़े और देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। इस दौरान गजब का नजारा देखने को मिला, जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गुलदस्ते की खींचतान करते नजर आए। पीएम मोदी को बधाई देने के लिए कुछ लोग गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे तो कुछ खाली हाथ ही मीटिंग में शामिल हो गए थे। हालांकि जब पीएम मोदी को बधाई देने की बारी आई तो सभी गुलदस्ता खोजने लगे। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कई नेताओं ने एक ही गुलदस्ते को कई बार प्रधानमंत्री को पकड़ा दिया। एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों में गुलदस्ते को लेकर मजेदार संघर्ष होता दिखाई दिया। पीएम मोदी को मिले गुलदस्ते को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीछे रखने की कोशिश की तो यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य उसे खींचने लगे। दरअसल दोनों नेता बिना ही गुलदस्ते के पीएम को बधाई देने पहुंचे थे, लेकिन जब किसी का दिया हुआ गुलदस्ता उनके सामने आया तो दोनों ही उसे पकड़ने के लिए लपक पड़े। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को इसमें कामयाबी मिली और बृजेश पाठक ने दूसरे गुलदस्ते का इंतजार किया। वहीं इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पीछे ओम प्रकाश राजभर भी खड़े थे, जिन्हें दूसरा गुलदस्ता मिल गया। इन गुलदस्तों को लेकर हुआ ये मजेदार संघर्ष कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। यूपी के उप मुख्यमंत्रियों के अलावा भी कई अन्य नेताओं के भी वीडियो वायरल हुए, जो एक ही गुलदस्ते को बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए नजर आए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।